हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग फाइन। माई सेल्फ लोहित जिंदल एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ IOQM 10 मार्कर सीरीज। गाइज, तो गाइज, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस विच आर ऑन द लेवल ऑफ IOQM 10 मार्कर विच आर एक्सपेक्टेड टू कम, राइट? सो गाइज, आज का जो क्वेश्चन है, वी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। ओके, सो ये क्वेश्चन एक्चुअली में एक RMO का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि RMO लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हो कि IOQM 10 मार्कर में आ सकता है, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस सी दैट क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन देखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ओके, ऑल राइट गाइज, सो दिस इज अवर क्वेश्चन। ओके गाइज, मैं सबसे पहले आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, फिर भी बिफोर वॉचिंग दिस क्वेश्चन सोल्यूशन, प्लीज ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाई योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, बिकॉज देन यू विल गेट अ वेरी गुड इनसाइट वाइल सॉल्विंग, वाइल एक्चुअली वॉचिंग द सोल्यूशन। अगर नहीं भी होता है लेकिन आपने कुछ अटेम्प्ट किया होगा ना, तो आपको सोल्यूशन देख के बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा रैदर देन डायरेक्टली सोल्यूशन देखने से। ठीक है, तो पॉज कर लो एंड वॉच इट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, एटलीस्ट गिविंग इट अ ट्राई फॉर 10-20 मिनट्स, एटलीस्ट 20-30 मिनट्स, देन आप देखो सोल्यूशन को। ठीक है, ऑल राइट गाइस, लेट अस सी दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन सेज लेट ABC बी अ ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज 60। ठीक है, वर्टिकल एंगल 60 दिया हुआ आपको। तो BE एंड CF बी द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स B एंड C। बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर्स आपने ड्रॉ कर दिए विच आर इंटरसेक्टिंग ऑन AC, E विद E ऑन AC एंड F ऑन AB। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, लेट M बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट A इन द लाइन EF, और वो E और F पॉइंट्स को अगर आपने ज्वाइन कर दिया, उसके अंदर आपने A का रिफ्लेक्शन लिया। वी आर ट्राइंग टू प्रूव दैट द रिफ्लेक्शन पॉइंट दैट इज M विल लाई ऑन BC। ओके, तो गाइस इसके लिए क्या करते हैं, मैं डायग्राम लेके आता हूं, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। ओके, सो दिस इज द डायग्राम गाइस। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या कर रखा है हमने। सी गाइस, दिस इज ट्राइंगल ABC, है ना? कंप्लीट एंगल ए इज 60, एंगल बी और एंगल सी एंगल बाई सेक्टर्स हैं, तो इनको नाम दे देते हैं। ठीक, दिस इज बी बाई टू, दिस इज बी बाई टू, दिस इज सी बाई टू, है ना? दिस इज सी बाई टू, दिस एंगल इज सी बाई टू। एंगल्स का हाफ हो रहा है, एंगल बाई सेक्टर्स है। एफ और ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई और एफ को ज्वाइन किया, एंड वी आर सेइंग कि ई एफ ई के अंदर, ई एफ के अंदर आपने ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन दिया, तो वो पॉइंट एम जो है बी सी पे लाई करता है। ना हाउ डू वी प्रूव दिस थिंग? तो हम क्या करते हैं, हम क्या कहेंगे, विल मेक अ कंस्ट्रक्शन, विल डू अ कंस्ट्रक्शन दैट रैदर देन सीधा रिफ्लेक्शन लेने की बजाय हमने क्या कहा, ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू ई एफ। ओके, ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू एफ ई एंड एक्सटेंड इट टू इंटरसेक्ट बी सी इन एम। ठीक है, उसको एक्सटेंड किया हमने, कहा कि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो एफ ई पे, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया वो हमने। ठीक है, एंड देन एक्सटेंड इट सो दैट इट इंटरसेक्ट बी सी एट एम, एम पे जाके इंटरसेक्ट करे। सो गाइज, इफ दिस इज सपोज टू बी इट्स रिफ्लेक्शन, अगर हमें प्रूव करना है कि वो उसका रिफ्लेक्शन है, तो हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव क्या होगा अब हमारे लिए, एक तरह से इन दिस क्वेश्चन हमारे लिए टू प्रूव करने वाली बात होगी कि हम ये प्रूव कर दें दैट ए एल इज इक्वल टू एल एम। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी है और ए एल इक्वल टू एल एम है, इसका मतलब एम विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ ए एंड एम इज लाइंग ऑन बी सी, तो हो गया अपना काम। ठीक है, सो दैट विल बी अवर एम इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना गाइज, कैसे करेंगे देखो। सो गाइज देखो, हमें पता है एंगल बाई सेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं आई पे, सो एंगल बी आई सी, हम शुरुआत ही यहां से करते हैं। सो वॉट इज एंगल बी आई सी, ठीक है ना, ये सबको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। दिस इज जनरली 90 प्लस द वर्टिकल एंगल जो एंगल बाई सेक्टर्स के साथ बनता है ना, थर्ड वाला। सो दैट विल बी 90 प्लस एंगल ए बाई टू, एंड एंगल ए आपको दिया हुआ है इसके अंदर 60 है, सो दैट विल बी 90 प्लस 30, सो दैट विल बी 120, राइट? तो मैं इसके ऊपर डायग्राम के ऊपर साथ साथ में मार्क करता चलूंगा। सो लेट मी राइट, दिस एंगल इज 120, है ना? सो गाइस, इफ दिस एंगल इज 120, देन एंगल एफ आई ई इज ऑल्सो 120, सिंस एंगल एफ आई ई इज इक्वल टू एंगल बी आई सी, राइट? बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल बी आई सी के इक्वल है, द रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको 120 डिग्री लिख देता हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इज द रीजन, राइट? तो ये वाला एंगल आपका हो गया 120, करेक्ट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब भाई गाइज एक बात सोचो, एंगल एफ आई ई इज 120, एंगल कंप्लीट एंगल ए इज 60, राइट? कंप्लीट एंगल ए 60 है। सो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं ए एफ आई ई इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए एफ आई ई
इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट? व्हाई? रीजन इज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन दिस. चलो एनीवे, जरूरत नहीं था इतना लिखने की, है ना? चलो आपके लिए लिख दिया मैंने. सो ए एफ आई ई इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना है? 180 है. सो वंस इट साइक्लिक, तो गाइज अब कुछ चीजें देखते हैं. दैट मीन्स व्हाट इज एंगल ए एफ ई? अब आप देखो गाइज, ए एफ आई ई इज साइक्लिक, तो एंगल ए एफ ई जो होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए? ओके, लेट अस यूज सम अदर थिंग. ओके, साइक्लिक हो गया, तो ओके, देन एंगल एफ ई ए विल बी इक्वल टू एंगल एफ ए आई, ये बोल सकता हूँ. देखो जो एफ आई कॉर्ड है, द कॉर्ड एफ आई इज सबटेंडिंग एंगल एट ए एंड एज वेल एज एट ई. तो यहां से हम क्या बोलेंगे? एंगल, ओके, एंगल एफ ए आई और एंगल एफ ई आई इज इक्वल टू एंगल एफ ए आई, राइट? एंगल एफ ई आई इज इक्वल टू एफ ए आई. ओके, एफ आई कॉर्ड सबटेंड कर रहा है दोनों एंगल, ए पे और ई पे, तो सेम एंगल होगा. एंड नाउ व्हाट इज एंगल एफ ए आई? ये इंटरेस्टिंग है. एफ ए आई कितना है? देखो गाइस, ए को आई से ज्वाइन किया है, इन सेंटर के साथ ज्वाइन किया है ना, जहां पे इंटरसेक्ट, जहां पे एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, वो आई पॉइंट है इन सेंटर. तो ए और आई को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है ना? तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? दैट इज इक्वल टू एंगल ए बाई टू. ऑल्दो हमें पता है वो 30 आएगा, बट चलो एंगल ए की फॉर्म में ही लिखते हैं, दैट इज एंगल ए बाई टू, राइट? एंगल ए बाई टू आ गया वो, ठीक है. सो नाउ गाइज लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एंगल ए एफ ई. जो एंगल ए एफ ई है गाइज, अब इसको देखते हैं, मैं मार्क कर देता हूँ फिगर के ऊपर व्हाट विच एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट. एंगल ए एफ ई इज दिस एंगल, ठीक है, एफ ए और एफ ई के बीच में. सो गाइज फॉर ट्राइंगल बी एफ ई, दैट इज एन एक्सटीरियर एंगल, वो एक्सटीरियर एंगल है ना ट्राइंगल बी एफ ई के लिए. तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल एफ बी ई, एफ बी ई प्लस एंगल एफ ई बी, है ना, प्लस एंगल एफ ई बी. और एफ बी ई और एफ ई बी की वैल्यू मुझे पता है, यहां से देखते हैं. सो एफ बी ई कितना हो गया? दैट इज बी बाई टू, एंगल बी बाई टू. एंड एफ ई बी हमने अभी निकाला, एफ ई आई एंड एफ ई बी आर बेसिकली द सेम ना, एंगल ए बाई टू, ठीक है ना? तो ये आ गया आपके पास एंगल ए एफ ई. अब आते हैं गाइस, अब हम आते हैं एंगल एफ ए एम पे. देखो इन दिस ट्राइंगल ए एफ एल, इन ट्राइंगल ए एफ एल आप क्या कहोगे? जो एंगल एफ ए एम है 90 डिग्री, एक एंगल तो 90 है क्योंकि ए एल एफ 90 था, है ना, कंस्ट्रक्शन ऐसा किया, ए एल इज परपेंडिकुलर टू एफ ई, तो दिस एंगल इज ऑलरेडी 90. तो एंगल एफ ए एल की बात करें तो कितना आएगा? 180 माइनस 90 डिग्री, एक 90 डिग्री एंगल है, माइनस एंगल ए एफ एल, ए एफ ई बोल सकते हैं उसको, सेम बात है ये वाला. तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 90 माइनस 180 माइनस 90, 90 हो गया, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू माइनस एंगल बी बाई टू, तो ये बन गया है ना 90 माइनस ए बाई टू प्लस बी बाई टू. सो व्हाट इज दिस विच गाइस? एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी होती है? 180 माइनस एंगल सी, आप ऐसे बोल सकते हो, और यू कैन राइट दिस एज एलसीएम लोगे तो 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी बाई टू. सो दिस विल गिव यू एंगल एफ ए एल, एंगल एफ ए एल विल बी इक्वल टू 180 माइनस ए बाई बी, ए माइनस बी इज एंगल सी, सो दैट इज एंगल सी बाई टू. एंड दैट इज इंटरेस्टिंग गाइस, व्हाई? बिकॉज एंगल एफ ए एल इज सी बाई टू एज वेल एज एफ सी एम इज सी बाई टू. मैं इसको एक और नाम दे देता हूँ, एंगल सी बाई टू तो ये आएगी, एफ ए एल, एफ ए एल को एफ ए एम भी तो लिख सकता हूँ, है ना, एफ ए एल इज सेम एज एफ ए एम. एंड एंगल सी बाई टू तो वैल्यू एफ सी एम की भी है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि सी एफ, सी एफ वॉज एंगल बाई सेक्टर. सो गाइज यहां से हमें क्या पता लगता है? एफ सी एम एंड एफ ए एम आर इक्वल, राइट? सो वॉट डज दिस कंक्लूड? एफ एम और एफ सी एम इक्वल है, मतलब एफ एम कॉर्ड जो है वो इक्वल एंगल से प्रिंट कर रही है ए पे और सी पे. वोंट दैट मीन दैट एफ एम सी ए साइक्लिक? एफ एम
CA इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये मतलब बना ना इससे, तो क्योंकि एफ एम कॉर्ड है जो ये दोनों एंगल्स सब्रेंड कर रही है। मैं फिगर के ऊपर एंगल ड्रॉ कर देता हूँ ग्रीन कलर से, सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंड बोथ आर सब्रेंडेड बाई एफ एम, है ना, देखोगे ध्यान से। सो दैट मीन्स एफ एम सी ए आर साइक्लिक, और अब आपका काम हो जाएगा गाइस कैसे। सो दिस एंगल इज सी बाई टू, है ना, ये वाला एंगल कितना हो गया सी बाई टू। चलो लिखता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। एंड गाइज वॉट इज एंगल एफ एम ए, वॉट इज एंगल एफ एम ए, कौन कॉर्ड कौन सी कॉर्ड सब्टेंड कर रही है एफ ए, एंड वॉट इज एंगल इज सब्टेंडेड बाई एफ ए एट सी। देखो तो लिखता हूँ, ड्यू टू दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एंगल एफ एम ए इज इक्वल टू एंगल एफ सी ए, बोथ एंगल्स आर सब्टेंडेड बाय द कॉर्ड एफ ए, एफ ए कॉर्ड कॉर्ड सब्टेंड कर रही है उस सर्कल में, एम पे और सी पे सेम एंगल करना चाहिए एंड बोथ एंगल्स आर इक्वल टू सी बाई टू एज वेल। राइट, बोथ एंगल्स आर इक्वल टू एंगल सी बाई टू, आप देख सकते हो एफ एम ए इज इक्वल टू एफ सी ए, एफ ए कॉर्ड सब्टेंड कर रही है ना, क्योंकि चारों पॉइंट साइक्लिक हैं। एंड नाउ एफ एम ए इज इक्वल टू एफ सी ए विच इज इक्वल टू एंगल सी बाई टू, बट एंगल सी बाई टू तो एफ एम भी है, बट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल एफ एम। राइट, तो गाइज इवेंचुअली आपके काम की जो चीज थी दैट एंगल एफ एम ए इज इक्वल टू एंगल एफ एम, देखो यहां से आपको काम की चीज कौन सी है, दैट एंगल एफ एम ए इज इक्वल टू एंगल एफ ए एम। नाउ अवर क्वेश्चन इज बेसिकली डन, देखो नाउ एफ एम इज इक्वल टू एफ एम ए, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब उसका फायदा क्या हुआ, इट मीन्स इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल ए एफ इज इक्वल टू एफ एम, है ना, दिस विल इंप्लाई ए एफ इज इक्वल टू एफ एम, और एक आइसोसेलीस ट्राइंगल बन गया, और एक आइसोसेलीस ट्राइंगल में जो एफ एल है वो परपेंडिकुलर है एम पे। व्हाट डज दैट मीन, एफ ए इक्वल टू एफ एम है और उसमें एफ पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो ए एम के ऊपर, सो दैट इज गोइंग टू द मीडियन एज वेल, ये तो आइसोसेलीस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ना। राइट, सो ए एफ इक्वल टू एफ एम, तो मैं इसके बाद यहां पे लिख देता हूं, दैट मीन्स ट्राइंगल ए एफ एम इज आइसोसेलेस। राइट, ट्राइंगल ए एफ एम आइसोसेलेस है विद ए एफ इक्वल टू एफ एम, विच इंप्लाइज एफ एल इज परपेंडिकुलर मीडियन, यही होता है ना, परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होता है, एंड विच इंप्लाइज ए एल इज इक्वल टू एल एम, और यही हमें प्रूव करना था दैट ए एल इज इक्वल टू एल एम। राइट, एंड दैट प्रूव्स कि एम क्या है, ए का रिफ्लेक्शन पॉइंट है अबाउट ई एफ। राइट, सो गाइज आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया और मजा आया इस क्वेश्चन को समझने में। राइट, एंड द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, वेर बेसिकली तो हम इसमें एंगल चेजिंग कर रहे हैं बट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। राइट, यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ अ लेवल ऑफ क्वेश्चन इन आई यू क्यू एम बिकॉज दिस इज अ लेवल ऑफ आर एम ओ एक्चुअली, तो आर एम ओ में आप पोस्ट हो सकते हो, रादर उससे हो सकता है ये थोड़ा सा मुश्किल ही हो, बट एनी वेज इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। सो आई होप गाइज सबको ये क्वेश्चन समझ में आया और मजा आया, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके, थैंक यू गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइज। हेलो स्टूडेंट्स, गाइज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, नाउ सिंस वी आर टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन दिस, राइट, बिकॉज 30 अक्टूबर को एग्जाम है एज यू ऑल गाइज मस्ट बी नोइंग फॉर ऑफ आई ओ क्यू एम। राइट, वी आर गोइंग टू लॉन्च द, टाइम भी बहुत कम है, सो वी आर गोइंग टू लॉन्च द लास्ट कोर्स जिसके अंदर थ्योरी पढ़ाई जा रही है, एंड दिस इज वन इज द रिकॉर्डेड कोर्स, डेली सेशन रहेगा आपका, है ना, टेस्ट भी रहेंगे इसके अंदर। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस कोर्स नेम्ड लास्ट माइल, बिकॉज नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज द लास्ट पॉसिबल कोर्स दैट यू कुड डू और यू कुड ऑप्ट फॉर, है ना, फॉर आई यू के एम, इफ यू आर टारगेटिंग आई यू के एम फॉर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर एज वेल, जिसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी, सारी की सारी थ्योरी कवर होगी, वो फीचर्स मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस बैच इज फॉर क्लास 7th टू 12th, 7th क्लास के स्टूडेंट्स ऑल दो इस साल एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बट ये फॉर दो स्टूडेंट्स एक्चुअली उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा इंसाइट मिल जाएगा। सो सी मेनी थिंग्स माइट हैपन, 7th क्लास के स्टूडेंट्स को हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं की हुई हैं, बट द थिंग इज काफी चीजें समझ में आ भी जाएंगी एंड दोज थिंग्स विल हेल्प हिम, हेल्प अ पर्सन, हेल्प अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th टू यू नो एक्सप्लोर मोर, उसके आगे उसको समझने में यू नो टूल मिल जाएगा उसको समझने का, जिससे कि उसको समझने में बहुत ईजी होगा आगे के टाइम में।
सो उसका लेवल अप तो पक्का हो जाएगा, दैट इज द रीजन फॉर क्लास सेवन्थ। और बाकी के सब स्टूडेंट्स तो इस साल में भी दे सकते हैं एग्जाम, तो उनके लिए तो ये कोर्स बेनिफिशियल होगा ही होगा, राइट। द डेट फॉर द बैच लॉन्च इज 22 अगस्त। सो सर गाइस 22 अगस्त से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे एंड एवरी डे देर विल बी अ सेशन सो फॉर 1.5 आवर। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ, ठीक है, लेट्स सी। सो गाइस इन दिस कोर्स यू विल बी गेटिंग 40 टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सेम लेक्चर्स दैट आर गोइंग ऑन इन दैट हैव ऑलरेडी बीन यू नो डन इन IUQM अचीवर्स बैच, जो ऑलरेडी अभी चल रहा है तो उसमें सेशंस हो चुके हैं ऑलरेडी। सो वी हैव डिजाइंड अ न्यू कोर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 40 टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ द सेम लेक्चर्स जो भी हमारे कोर्स IUQM अचीवर्स में चल रहे हैं। अदर देन दैट यू विल गेट 15 रिवीजन लेक्चर्स, ठीक है, ये अलग से मिलेंगे। दीज आर द रिवीजन लेक्चर्स ऑफ द अदर बैचेस, PRMO रिवीजन बैचेस दैट आर गोइंग ऑन, ओके। एंड इन दिस कोर्स यू विल बी हैविंग 10 पार्ट टेस्ट एंड 10 फुल टेस्ट। वंस द सिलेबस इज ओवर इन द अक्टूबर मंथ यू विल गेट 10 फुल टेस्ट एज वेल, ओके। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल गेट विद दिस बैच और विद दिस कोर्स इज टेलीग्राम डाउट सॉल्विंग। सो गाइज इफ यू एनरोल विद दिस कोर्स राइट, you'll be added in our telegram doubt solving group, you'll be added in a group on telegram in which you can post your doubts, any doubts you have, and those will be answered within 24 hours, okay, by us teachers and our team, okay. So that is one of the most important aspect of this course. And then you'll get chapter wise assignments, so about 8 to 9 chapters in seedha seedha, so har chapter ke liye aapko assignment milega. एंड उन असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे एज अदर देन यू नो ओवर एंड अबव द रिटन सॉल्यूशंस। आपको टेक्स्ट में तो सॉल्यूशंस मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इन दोज चैप्टर वाइज असाइनमेंट गाइज देर आर 3 लेवल्स, आई विल टेल यू दैट बिफोर हैंड। चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स के अंदर गाइज 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 इज बेसिकली अंडर PRMO लेवल विच विल हेल्प यू इन गेनिंग ट्रैक्शन विद द टॉपिक, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए टॉपिक के लेवल की, टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के लिए बेसिकली। एंड देन लेवल 2 इज बेसिकली IUQM लेवल क्वेश्चन, सो दैट इफ यू हैव टू डू, आपके पास टाइम कम है तो लेवल 1 और लेवल 2 जरूर करना, इंपॉर्टेंट है, राइट, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर IUQM। तो गाइज सेकेंड लेवल में के अंदर जैसा मैंने आपको बताया IUQM लेवल प्लस क्वेश्चन है। एंड इन द लेवल 3 यू विल गेट RMO प्लस इनमो लेवल क्वेश्चन, सो दैट विल बी लाइक काइंड ऑफ यू नो आप लोगों के लिए टाइम कम है क्योंकि You might skip it, आपकी मर्जी है वो, अगर टाइम है तो यू कैन ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर इट, बट लेवल 1 एंड लेवल 2 आर द असेंशियल एंड द मोस्ट मैंडेटरी टॉपिक्स काइंड लेवल्स काइंड ऑफ थिंग, तो आपको वो करना ही चाहिए इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर दिस कोर्स, ओके। एंड एज आई सेड असाइनमेंट्स के साथ में आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, यू विल गेट एन एक्सेल शीट जिसके अंदर हर क्वेश्चन का यूट्यूब के वीडियो का लिंक दिया जाएगा फॉर द सॉल्यूशन थिंग, ओके, यू कैन वॉच द सॉल्यूशन एज वेल। एंड गाइज यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दीज फीचर्स एंड दिस कोर्स at this last ditch effort in 2777 rupees. The cost of this course is 2777 rupees, right? But if you apply my code LJ Pro, agar aap ye code apply karte ho, you can find the link in the description as well. Then you will get this 10% instant discount, extra discount, and you will be able to get this course at 2500 rupees. And guys, I assure you, you will get your full value, guys. Pata hai, matlab log sochte hain ki 2500 rupees mang rahe hain, zyada rupe hain, aisa kuch hai, jo bhi hai. I would like to tell you guys one thing. हमने इतनी मेहनत से ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इतनी चीजें बनाई हुई, I'll assure you आपको ऐसे का ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। And that too at such low price, guys. जिसके जो इसके अंदर हम जो क्वालिटी और जो चीजें दे रहे हैं ना आपको, it's like I would say कि this is actually price lower for that. ठीक है ना? वो तो just ये है कि हम चाहते हैं कि maximum students का फायदा हो, we are you know like pricing it very nominally. So I would suggest if you're you know positive and you want to you have enthusiasm about IUQM, you should not think about the price. आपको इस कोर्स से बहुत फायदा होगा. Even if you are not able to qualify, guys, ये कोर्स के अगर through निकल गए ना आप, if you do attend these 40 lectures and everything, आप ये जरूर सोचोगे before 40 lectures and after 40 lectures, आपका level का difference आप खुद महसूस करोगे. You'll yourself feel the difference in your own knowledge after attending this 40 lectures. Okay? So that is all from my side, guys. Though you have the links in the description, aap click kar sakte ho, you will be directed to the page and you can enroll in our course directly. Okay. So I would suggest, guys, agar aap lena chahte ho, to jaldi le lena, so that again backlog create na ho. 22nd August ko batch shuru ho raha hai. So aapko der na ho jaye, usme fir se backlog na ho jaye.
so that you feel प्रेशराइज एक्स्ट्रा प्रेशराइज. सो इफ यू वॉन्ट टू डू क्वालिफाई ओकेम और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, सो दिस इज द कोर्स, आप इसको अटेंड कर सकते हो. ओके, सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज. थैंक यू गाइज, आई होप यू इनरोल इन अवर सेशंस एंड यूल कम टू अवर क्लासेज एंड इट विल बेनिफिट यू, आई होप, राइट? थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर.